यस अब सुनो इधर विद्यार्थी थ्री डी जबरदस्त चैप्टर है और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर हम चाहें तो इस चैप्टर को खत्म करके अभी नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा ये चैप्टर बहुत ईजी है इसके अंदर कुछ नहीं है ये पूरा वेक्टर का एप्लीकेशन है किसका एप्लीकेशन है वेक्टर का लेकिन वेक्टर के एप्लीकेशन को ढंग से समझने के लिए सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में जाननी है थ्री डी हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो खुद क्या है थ्री डी थ्री डायमेंशन सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सबसे पहले थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लीजिए वैसे आपको लगता होगा कि आपको थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है और जब ये पूरा मैं बता दूंगा तो भी आपको लगेगा कि अब आपको आता है थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज्यादा ईजी है जैसे आप पहले एक्स और वाई बनाते थे वैसे ही बनाइएगा प्लीज इनको चेंज मत करिएगा क्योंकि चेंज कर देंगे तो राइट हैंड रूल वैलिड नहीं होंगे दिक्कत आ जाएगी जैसे आप पहले एक्स और वाई बनाते थे वैसे ही बनाइए कुछ नया नहीं करिए और बाहर की ओर आता हुआ जेड ये ऐसे बाहर की ओर आता हुआ जेड क्लियर सर बच्चों को ये हमारा थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें तीन डायमेंशन है तीन लाइनें क्या बात है इसमें तीन डायमेंशन है तीन डायमेंशन का मतलब बेसिकली हो गया किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है और आपको उसका जेड कोऑर्डिनेट भी बताना है ये समझना है बच्चों को आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है आपको उसका जेड कोऑर्डिनेट बताना है त्रिआयामी ज्यामिति ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति और थ्री डायमेंशन डायमेंशन को कहते हैं आयाम और थ्री को त्रिआयामी ज्यामिति थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बात समझना है बच्चों को इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है यहां पर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं कौन कौन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और यहीं पर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं तीन कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस और तीन ही कोऑर्डिनेट प्लेन हैं एक्स वाई प्लेन ये देखिए ये पीछे ये जो प्लेन दिख रहा है ये कौन सा है एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन ये जो इधर बाहर निकला हुआ है ये कौन सा प्लेन है वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन और ये जो नीचे दिख रहा है ये कौन सा प्लेन है जेड एक्स प्लेन क्या क्लियर सर बच्चों को कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब है एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये होती है यानी अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता नहीं लेकिन y और z कोऑर्डिनेट हर हाथ में जीरो ही होगा ऐसा कौन सा लोकस है ऐसा कौन सा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ऐसा कौन सा कर्व है जिसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो कौन होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो कॉमन सेंस है और जेड एक्सिस की क्वेश्चन होगी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो एक्सिस की क्वेश्चन ध्यान रखनी है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है कितने कोऑर्डिनेट प्लेन है तीन कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स एक्सिस की क्वेश्चन वाई और जेड जीरो वाई एक्सिस की क्वेश्चन एक्स बिल्कुल कॉमन सेंस एक्स वाई प्लेन की क्वेश्चन बचुआ जेड जीरो क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स भी वेरी कर सकता है वाई भी वेरी कर सकता है लेकिन जेड कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन एक्स जीरो ये देखिए ये रहा वाई जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही आएगा जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन वाई जीरो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस और तीन कोऑर्डिनेट प्लेन जब मैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या ऐसा कुछ परपेंडिकुलर दूरियों के टर्म में कुछ कहा जा सकता है क्या बिल्कुल कह सकते हैं बोर्ड पर देखें यही वक्त देखने सुनने का बाद में मौका नहीं मिलेगा ड्रॉइंग तो मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी रही है देश विदेशों से मेरे को कॉल आते रहते हैं कि प्लीज हमारे लिए कुछ मत ड्रॉ करें
अब सुनो ध्यान से, ये हमारा पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो मैं एक्चुअली जैसे 2D थोड़ा समझो, एक्चुअली ज्योमेट्री में फील करो, फील जैसे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। वैसे यहां पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और एड्रेस का मतलब क्या है सब समझाता हूं मैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0,0 समझा। अब पहले एड्रेस की तरह समझे, अगर मैंने बोला किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, अगर मैंने आपसे बोला कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है उस पॉइंट का एड्रेस। एड्रेस मतलब किसके रिलेटिव, ओरिजिन के रिलेटिव। इसको दो तरीके से मतलब समझो, आप कोऑर्डिनेट का दो तरीके से मतलब समझो। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप ओरिजिन पर खड़े हैं, पहले एक्स चल लें एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वाई चल लें वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर जेड चल लें जेड एक्सिस के पैरेलल, और अब पॉइंट पर पहुंच गए। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बेसिकली बताता है द एड्रेस द लोकेशन द पोजिशन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3,4 है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता बताया जा रहा है। इसको समझना जरूरी है। ओरिजिन पर खड़े हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 चले, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 3 चले, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल 4 चले। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल चले। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3,4 तो ये चलना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये चलना है वाई एक्सिस के पैरेलल, ये चलना है जेड एक्सिस के पैरेलल। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे पहले जेड एक्सिस के पैरेलल चल लिया, फिर मन किया एक्स एक्सिस के पैरेलल चल लिया, फिर मन किया वाई एक्सिस के पैरेलल चल लिया, तो भी वही पहुंचो। पहले मन किया वाई एक्सिस के पैरेलल चल लिया, फिर मन किया जेड एक्सिस के पैरेलल चल लिया, अब फिर मन किया एक्स एक्सिस के पैरेलल चल लिया, आप वही पहुंचो। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनका ऑर्डर क्या चल रहे हो, लेकिन 2 यूनिट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, 4 यूनिट्स पैरेलल टू जेड एक्सिस। इच्छा की पहले एक्स एक्सिस चल लिया, फिर जेड एक्सिस चल लिया, फिर वाई एक्सिस चल लिया। तो ये आप पहले तो समझे कि ओरिजिन पर अगर खड़े हैं तो उस पॉइंट का एड्रेस है, उस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका है। इसी चीज को एक और तरीके से देखी जा सकती है। आओ एक और तरीके से देखें। ये तो हो गया एड्रेस, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं। मन में अनंत इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज ए, बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज बी, सी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज सी। लेट अस सी। ये वक्त ड्राइंग गजब की है मेरी। ठीक नहीं लग रहा तुम्हारी, तो बेटा आंखें भी खराब है। पहले तो मैं केवल दिमाग के बारे में सोच रहा था, पर डायग्राम बेटा बहुत जरूरी है जीवन में। मैं सब समझ रहा हूं बच्चों, डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है जीवन में। हाँ, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सिमेट्रिकल दिखा। अब आ जाओ, अब मैं कह रहा था ए कॉमा बी कॉमा सी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानने की इच्छा थी कि गुरु जी एड्रेस वेड्रेस तो ठीक है, पर ज्योमेट्रिकली ए का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली बी का क्या मतलब है। ए का मतलब होता है, ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए देता है वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी बचे हुए प्लेन से, बी क्या है इसका वाई कोऑर्डिनेट, बी कौन सा कोऑर्डिनेट, तो कौन कौन बच गए एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, प्लीज समझे, प्लीज समझे, सी क्या है इसका जेड कोऑर्डिनेट, तो कौन बच गए यस, तो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे, एड्रेस की तरह भी समझे कि 0,0 पर खड़े होकर कैसे पहुंचना है, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, और जेड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी। एक बार एक क्वेश्चन था, उसके अंदर यह पूछा गया था कि एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी, तो कुछ भी नहीं था, एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी जेड कोऑर्डिनेट, यानी केवल जेड कोऑर्डिनेट ही पूछा गया था, बच्चे प्लेन की इक्वेशन लेके पता नहीं क्या घमासान मचाना लग गए, ऐसा नहीं करना है, ज्योमेट्री समझ, क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, मन में और भी इच्छाएं मेरे उमड़ रही है, पहले मुझे बताया समझ में आ गया था बच्चों को, एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर वाई, टू डी पर आ जाओ, टू डी पर आ जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, बचे हुए से जो बनेगा वहां पर एक ही वाई बचा था, तो एक वाई क्या बनाएगा एक्सिस ही बनाएगा, लेकिन यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई और जेड दो एक्सिस बच गए, तो दो एक्सिस बच गए तो क्या बनाएंगे प्लेन बनाएंगे, बचे हुए से परपेंडिकुलर दूरी। एक और चीज मेरे मन में इच्छा से उमड़ रही है कि अगर इस पॉइंट से यहां लिख देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमर्स ऑन एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन, क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी से एक्स वाई प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर डालें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट 0,b,c एक्स वाई प्लेन, त्रुटि हो गई, कैसा गड़बड़ कर दिया है, ए कॉमा बी कॉमा जी एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है तो ए और बी सेम रहे, वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर दूरी 0,b,c और एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर दूरी या फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0,0, आपको इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आना चाहिए और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी समझ में आना चाहिए, इसलिए डायग्राम को मैं मिटा के सही कर रहा था ताकि थोड़ा थ्री डी जैसा दिखे भी, ध्यान देना इधर ए कॉमा बी कॉमा सी की से अगर एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, बस वाई कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो क्योंकि एक्स जेड प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो जब मन में आगे इच्छा उमड़ी तो ये तो मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर कितना आ गया ए कॉमा, क्यों गड़बड़ हो रही है, भूख लग रही है मुझको, ए कॉमा बी कॉमा जीरो, वाई जेड प्लेन पर 0,b,c और जेड एक्स प्लेन पर 0,0,c ये आ गया, क्लियर है सब बच्चों को, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ चिंता चिड़ापन, मन में और उमड़ रही है कि गुरु जी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन तो हो गए, अगर मान लो एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो कि एक्स एक्सिस पर क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पर क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस पर क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे, एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो यही पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्योंकि क्यूब की तरह है, मतलब क्यूबॉइड की तरह, तो एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0,0, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका वाई और जेड जीरो, वाई एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0,b,0 तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, जेड एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0,0,c कोई भी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर
a comma 0 comma 0, y axis पर put a perpendicular 0 comma b comma 0 और z axis पर put a perpendicular 0 comma 0 comma. सुनो ध्यान से, सबसे पहले coordinate axis समझ में आ गए, तीन coordinate axis होते हैं, उनकी equation समझ में आ गई, coordinate plane समझ में आ गए, तीन coordinate plane उनकी equation समझ में आ गई, address समझ में आया, origin से उस point तक पहुंचने का तरीका. इसमें order का importance नहीं है, पहले y चल रहे हैं, फिर x चल रहे हैं, फिर z चल रहे हैं, या पहले z चल रहे हैं, फिर y चल रहे हैं, फिर x चल रहे हैं, it doesn't matter. लेकिन बोलते वक्त order का importance है, बोलते वक्त अपन पहले x बोलते हैं, फिर y बोलते हैं, फिर z बोलते हैं. चलते वक्त कोई दिक्कत नहीं, क्या बात समझ में आ गई बच्चों को. उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर आ जाओ. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर a कॉमा b कॉमा c है तो व्हाट डज ज्योमेट्रिकली a मीन, व्हाट डज ज्योमेट्रिकली b मीन, व्हाट डज ज्योमेट्रिकली c मीन. समझ में आ गया बच्चों को. उसके अलावा इस पॉइंट से तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद होने चाहिए, यानी कि बैठ के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, और तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता होने चाहिए. क्या आपको बेसिक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया और उसके साथ एसोसिएटेड ये बातें समझ में आई? फोड़ू फोड़ू कॉपी कर लीजिए. अब समझ ध्यान से. तो भाई सबसे पहली चीज हमने क्या समझ ली, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस देख ली, कोऑर्डिनेट प्लेन्स देख लिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एड्रेस में क्या मतलब होता है, एबीसी का ज्योमेट्रिकल क्या मतलब होता है, पॉइंट से प्लेन्स पर जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख ली, पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, काफी सारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लिया. अब मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो. जैसा मैं बोलू वही सुनना है, एक्स्ट्रा नहीं सुनना है. डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो सुनो ध्यान से. देखो थ्री डायमेंशन में, 3D में हमको दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट की लोकेशन जो कि हमने जानी ली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दूसरा पैरेलल वेक्टर, जिन्हें बोलूं ये लाइन है तो लाइन बोलूंगा ये पॉइंट और इसके पैरेलल है. यहां दोनों में शब्द आ रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी इससे पहले जो अपन ने बोर्ड पर लिखा था वो पॉइंट की पोजिशन बताता था और यहां पर क्या बताएगा, डायरेक्शन. अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना. अब मैं आपको 3D में बिना वेक्टर की मदद से दिशा लिखना सिखाऊंगा, डायरेक्शन लिखाना सिखाऊंगा, ध्यान रखना है. अच्छा उसके पहले जरा वेक्टर को विजिट कर लेते हैं. लाइन, लाइन के पैरेलल अपन कैसे बता देते, वेक्टर बता देते हैं कि लाइन के पैरेलल वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप. ऐसे प्लेन होता था तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर बता देते थे. मान लो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. एक्चुअली दो ही 3D ज्योमेट्री अपन को पढ़नी है, वो है लाइन और प्लेन. अगर आप ध्यान से देखें तो अपन ने वेक्टर के अंदर भी दो ही चीजें पढ़ी, लाइन और प्लेन. बस इसके अंदर भी दो ही चीजें हैं, लाइन और प्लेन, और कुछ नहीं पढ़ना. लाइन का डायरेक्शन बताने के लिए हम लाइन के पैरेलल वेक्टर बता देते थे, बोलो हाँ गुरु जी. और प्लेन का डायरेक्शन बताने के लिए हम प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बता देते थे, बोलो हाँ गुरु जी. बोलो बोलो, ये क्लियर हो गया. अब इसी बात को कहने का एक और तरीका है, लाइन के पैरेलल वेक्टर के बजाय हम लोग कहते हैं लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ए इज टू बी इज टू सी. बस वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो. बोलने का तर्क है, बचपन में कहावत पड़ी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं पड़ी, पड़ी है ना. यानी मुंह में कुछ मतलब मुंह पर तो कुछ और बोल रहा है लेकिन मन में उसके कुछ और चल रहा है, वैसा ही 3D में होता है. पूरे टाइम बोलेंगे 3D लेकिन सोचेंगे वेक्टर. जैसे मैंने बोला इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1:2:3. बोलते ही समझ जाओ लाइन का पैरेलल वेक्टर 1i कैप + 2j कैप + 3k कैप. मैंने बोला इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2:3:4 है, बोलते ही समझ जाओ लाइन के पैरेलल वेक्टर 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप. अच्छा नाम देखिए, गणित में सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए इसका नाम मा से शुरू होता है, मायत.
अपन से बच्चा से पहले क्या बोलता है माँ, इसलिए माइट है माँ से. इजी सब्जेक्ट, नेचुरल टेंडेंसी, कॉमन सेंस. क्या है इसका नाम ही, मैं आप देखो नाम देखो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो. डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो, डायरेक्शन रेशियो. अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन इज टू बी इज टू सी. भैया प्लेन का जो नॉर्मल है ना उसका डायरेक्शन रेशियो इज टू बी इज टू सी है. समझ गए, समझ गए. चौक गिर पड़ी, चौक भी ऐसी तुच्छ बातों को लेकर रहने दो, तुम बैठो. अरे गिरी हुई चीजों को नहीं उठाते. सुनो ध्यान से भाई, डायरेक्शन रेशियो मैंने जैसे ही बोला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, प्लेन के नॉर्मल, इसका मतलब क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो. देखो नाम कितना सही रखा गया है, डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन से शुरू होकर रेशियो पर कदम, डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो. आपसे मैंने बोला इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2:3:4 है, क्या समझे, नॉर्मल वेक्टर 2i cap + 3j cap + 4k cap. समझ में आया कि नहीं है? अरे कुछ नहीं है, मैं बताता हूं आपको. इसमें डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, और जब भी हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे आप समझ जाइए कि कंपोनेंट वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो. डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो. समझ में आया कि नहीं है? इज द वर्ड डायरेक्शन रेशियो क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं है? अब लाइन होगा तो लाइन के पैरेलल डायरेक्शन रेशियो, या लाइन का डायरेक्शन रेशियो. प्लेन होगा तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो. किसी को डायरेक्शन रेशियो में कोई दिक्कत? अब मान लो एक लाइन है, उस पर दो पॉइंट है. एक लाइन है उस पर एक पॉइंट है x1 y1 z1, और इसी लाइन पर दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2. तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहो तो लिख दो कि इसके पैरेलल वेक्टर है x2 - x1 i cap y2 - y1 j cap और z2 - z1. ठीक है, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? या यू भी बोल सकते हो कि लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो डर, डरना नहीं है. लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 is 2 y2 - y1 is 2 z2 - z1. कुछ इस चैप्टर के अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ उसी बात को बोलने का तरीका बदलेगा बस. क्या सभी विद्यार्थी डायरेक्शन रेशियो शब्द से परिचित हो गए? आगे अब दूसरा शब्द क्या है, डायरेक्शन कोसाइन. आओ इस पर आते हैं, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें. यही वक्त देखें सुनने का, बाद में मौका मिलेगा नहीं. ये एक्स, ये वाई और ये जेड हर बार ऐसे ही बनना है. चलो इसके अंदर एक शब्द क्या आ रहा है, कोसाइन. मैथ्स इज द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, इन मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर. You cannot describe nature without using might. Might is everywhere. अब इसके अंदर शब्द क्या आ रहा है, कोसाइन, और एक शब्द क्या आ रहा है, डायरेक्शन. पक्का डायरेक्शन और कॉस का कुछ ना कुछ पंगा होगा. चलो देखते हैं, आओ रंग बिरंगी चौके. सब बच्चे बोर्ड पर देखते रहे और इनको समझ लें. एक बार आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया ना, उसके आपको पढ़ना होना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी चैप्टर है. कोई वैक्टर लेते हैं हम, कोई वैक्टर ले, मान लीजिए वैक्टर है ai cap + bj cap + ck cap. एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप. वाई एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप. और जेड एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप. बहुत अच्छा दे रहा है, ये आ गया भाई हमारे पास. अब मन में इच्छा उमड़ रही है, एक्स एक्सिस ये वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा. तो ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, लेट अस कॉल इट अल्फा. Let us call it alpha. लो मुझे वेक्टर दो, एक वेक्टर मिल गया मुझको, तीन वेक्टर और दो. ये देखिए
वेक्टर ही वेक्टर लेके बैठा हुआ है लड़का। देखो थोड़ा सा दिश दिश। ये देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस हमारी तरफ आता हुआ, और यहां पर ये कोई वेक्टर है ऐसे। अरे कितनी पेन पकड़ू मैं एक हाथ से। एक और हाथ होता तो ठीक रहता। कट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। रिफर टू दैट डायग्राम एंड यार तुम मुझे काट ली तुमने, ठीक है। देखो ये समझ आ गया। अब ये वेक्टर और एक्स एक्सिस, तो ये प्लेन में नहीं, ऐसा है ना बीच में, क्या उंगली पकड़ नहीं रही ना उसको, कैसे फिट करें उसको, कैसे देखो इतने पेन को एक साथ। अब ठीक है, फिर भी ये वेक्टर है, वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा कहते हैं, वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को बीटा कह देते हैं नॉर्मल, और वेक्टर और जेड के बीच के एंगल को गामा कहते हैं। समझ में आया? थोड़ा देखें, थोड़ा इमेजिन करें, आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है उसका यूज करो। यहां वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को अल्फा कह रहे हैं, वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को बीटा कह रहे हैं, और वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच के एंगल को गामा कह रहे हैं। अब ये डायग्राम बनी गया है, देखो ये वेक्टर था, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, तुम जेड एक्स पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, वो सब निकाला है, यहां पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इससे एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इससे वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इससे जेड एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों को? ठीक है, ये डायग्राम मन में छाप लें, फोटो खींच लें, क्लिक। अब सुनो ध्यान से, तो वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल अल्फा कह दिया, वो क्या है, टू डी है ना बेटे, तो इस पर बस सब ऐसे ही बनेगा, थोड़ा इमेजिनेशन, और इसके और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को बीटा कह दिया। अब देखो टू डी में तो ऐसा ही दिखेगा आपको, इसके और जेड एक्सिस के बीच के एंगल को गामा कह दिया, लेकिन आपको मैंने पेन से दिखाया, उसको इमेजिन करेंगे तो दिख जाएगा। क्लियर बच्चों को? हर बच्चे तीन चार पेन लाए, तीन पेन पकड़े रहे, अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब अगर दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे होता है, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बोलो, तो मैं अगर कॉस अल्फा निकालना चाहूं, इस वेक्टर को वी वेक्टर कह देता हूं, तो आएगा वी डॉट आई कैप अपॉन मॉड वी मॉड आई कैप, ये आ जाएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो हां गुरु जी, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। कॉस अल्फा आ गया, और समझो बच्चों, समझो उसको, कॉस गामा क्या है बेटे, वी और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, आराम समझिए, समझ जाएंगे तो कभी दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। मॉड वी अपॉन मॉड जे के, तो ये कितना आ गया बेटे, बी अपॉन रूट ऑफ, हाँ बेटा ये वो तो प्रिंटिंग है ना, देखो आगे सब सही था, कॉस गामा वी डॉट के कैप, ये कितना आ गया बेटे, अब मेरी बात सुनना है, सही लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, बस आप लोगों की सहमति के बाद, वी वेक्टर मुझे गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो अगर मैं बोलूं इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बेटे, ए इज टू बी इज टू सी, कोई दिक्कत? मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि यहीं पर वी टोपी लिखूंगा, टोपी क्या होगा, वी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ओहो ओहो ओहो, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, बी अपॉन रूट ऑफ, आंखें कुछ देख रही हैं, मन कुछ सोच रहा है, सी अपॉन ओ, आंखें कुछ देख रही हैं, मन कुछ सोच रहा है, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। ये देखिए, अब यहां से गजब काम होने जा रहा है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आज हमें लेटेस्ट जानकारी मिली है, अभी अभी चंद्रयान 2 से खबर आई है, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर का जेड कंपोनेंट है, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है वो और कुछ नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कॉस होते हैं। जो यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है
वो एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कॉस है, जो यूनिट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कॉस है, और जो यूनिट वेक्टर का जेड कंपोनेंट है वो जेड एक्स से बनाए गए एंगल का कॉस है। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? तो अब सुन ध्यान से, कुछ नहीं, यहां पर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो हमने कैसे बताए थे, रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और डायरेक्शन कोसाइन होता है कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन होगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। ध्यान रखना यहां कॉमा लगाया है, रेशियो नहीं लिया है। जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है उनको सीधे क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो उस एंगल के कॉस होते हैं जो एंगल वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बनाता है, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन बताने वाले एंगलों का कोसाइन, अल्फा बीटा गामा इनका कोसाइन। ध्यान रखना यहां कॉमा लगता है, क्या लगता है, कॉमा, क्योंकि ये सीधे कंपोनेंट है, जबकि डायरेक्शन रेशियो कंपोनेंट का रेशियो है, तो हो सकता है कॉमन फैक्टर कट भी सकता है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं कटेगा। कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया, समझ में आया। इस डायरेक्शन कोसाइन को सबसे इजी तरीका यही है, एक और बात बोल सकते हो, इट इज कोसाइन ऑफ द एंगल दैट वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक ही बात है, एक ही बात है कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते ही क्या है, उन्हीं एंगलों के कोसाइन जो कि वेक्टर एक्स वाई जेड से बनाता है। तो इसकी दो दो डेफिनेशन है, लेकिन मैं बोलूंगा इसको ध्यान रखें आप, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और अलग से ध्यान रखें कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट और कुछ नहीं होते, वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना उन एंगलों का कोसाइन ही होते हैं। तो एक और परिभाषा है, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। क्या बात समझ में आई बच्चों को? एक मिनट बोलो, देखें यहां पर देखो, अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो बड़े प्रेम से आप कह सकते हैं गुरुजी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होगा। क्यों? अरे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है ना। अरे डायरेक्शन कोसाइन डीसी, डीसी कॉमिक्स, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन किसके कंपोनेंट है, वेक्टर के। अरे वेक्टर के कंपोनेंट है क्या? यूनिट वेक्टर के। अब ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वन। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? अब मैं कुछ लिखूंगा और बोलूंगा नहीं, और आप समझ जाओगे अपने आप। इफ अ वेक्टर मेक अल्फा विद एक्स एक्सिस बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस देन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा वन। कितने बच्चे समझे? कितने? कुछ बल्ले नहीं पड़ा, भगवान क्या चल रहा है? बीटा बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है? यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है। अरे उसी बात को चार तरीके से कह रहे हो, बात वही है। अरे कॉस ये एल क्या है? कॉस अल्फा ही है मेरे भाई। ये एम क्या है? कॉस अल्फा ही है। ये एन क्या है? सॉरी कॉस बीटा। और ये एन क्या है? कॉस गामा ही है। अब देखो उसी बात को कैसे तोड़ मरोड़ के चार तरीके बच्चों कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए पहले मैंने ये डिराइव कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं पांचों बातें एक बार बोलूंगा इस बोर्ड पर लिखी हुई, फिर आप छापेंगे, कहीं कोई डाउट आए तो पूछेंगे, है बहुत लल्लू। सुनो ध्यान से, वेक्टर के चैप्टर में
डायरेक्शन बताने के लिए हम सीधे पैरेलल वेक्टर बता देते थे या नॉर्मल वेक्टर बता देते थे, लेकिन अभी वेक्टर का चैप्टर नहीं चल रहा, लिखा है वेक्टर क्या कहीं नहीं, थ्री लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, थ्री में पोजिशन और डायरेक्शन दो ही चीजें होती है। पोजिशन बताने के लिए तो कोऑर्डिनेट बता देते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और डायरेक्शन बताने के लिए या तो डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे या डायरेक्शन रेशियो, 90% डायरेक्शन रेशियो बताएंगे। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो। ये मैंने अच्छे समझा दिया है, पांच बातें सीखनी। पहली बात, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो खत्म। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन आर द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, रेशियो नहीं सीधे कंपोनेंट, समझ में आया सब बच्चों को? एंड यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, तीसरी बात, द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर नथिंग बट द कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चौथी बात, इफ द डायरेक्शन रेशियो आर एल कॉमा एम कॉमा एन, देन द पैरेलल यूनिट वेक्टर विल बी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और वी कैन ऑल्सो से दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन ऑल्सो। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, तो उसकी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी यूनिट वेक्टर क्या निकल के आएगा? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिली कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना है? वन। ये समझ में आई खिचड़ी? ये डायरेक्शन रेशियो कॉस अल्फा सब एक ही चीज है, उसी घुमा घुमा के कहा गया। समझ में आया पूरा? अरे आया? कॉपी करो। अब देखो सब बच्चे बोर्ड पर, एक मिनट दो मिनट रुको, सब बच्चे बोर्ड पर देखो दो मिनट। जो हल्का सा पिछले बोर्ड पर भारी भरकम सब लिख दिया था उसको हल्का सा रिव्यू कर देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं ताकि थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए। अगर बेटे हमारे पास कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके बेटे, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? ए इज टू बी इज टू सी। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन रूट, बस एक बार देख लें, वैसे सब आपके दिमाग में फ्रेश है फिर भी क्या है कि दो तीन बार सुनने से याद हो जाएगा, ये बहुत इजी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, कोई दिक्कत? यही चीज बेसिकली कॉस अल्फा है, यही चीज बेसिकली कॉस बीटा है, और यही चीज बेसिकली कॉस गामा है। डायरेक्शन कोसाइन और कुछ नहीं, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा हो जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एम कॉमा एन है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? एल इज टू एम इज टू एन, अरे रेशियो ले लें, किसी भी वेक्टर का रेशियो ले लो, डायरेक्शन रेशियो आ गया। इसके साथ में एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इतना ही नहीं यहां से आप अलग से भी कमेंट कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज वन। क्या ये बात समझ में आई से बच्चों को? क्या ये बात समझ में आई? जो हमने पिछला बोर्ड भरा उसकी एक काइंड ऑफ समरी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए लिखिए। अब आइए एंगल बिटवीन लाइंस। अगर मैं बोलू एल वन लाइन के, अगर मैं बोलू, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पॉइंट, ये तो पिछले बार की समरी हो गई। थर्ड पॉइंट, दो लाइनें हैं, एक लाइन एल वन है और एक लाइन एल टू है। मान लो एल वन लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए वन इज टू बी वन इज टू सी वन है और एल टू लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए टू इज टू बी टू इज टू सी टू है, तो मैं लिखूंगा और आप समझ जाइए। तो मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन एल वन एंड एल टू, इन दो लाइनों के बीच में एंगल हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर। कैसे लिखा, समझ में आया? समझ? अरे कुछ नहीं है, लिखेंगे थ्री डी।
सोचेंगे बेटर. जैसे ही मैंने कानों ने सुना कि इसके डायरेक्शन रेशियो ये है, यानी इसका पैरेलल वेक्टर कितना, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप. जैसे ही कानों ने सुना इसके डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इसके पैरेलल वेक्टर कितना, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. अगर आप इसको v1 वेक्टर कह दें, इसको v2 वेक्टर कह दें, तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल कितना होता है, अरे बता दो आज मुझको, v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 मॉड v2. क्लियर हुआ सब बच्चों को, कोई दिक्कत? ये वही लिखा हुआ है v1 डॉट. यहां से मैं कह सकता हूं कि लाइंस पैरेलल होंगी अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. बोल दो हाँ, ये क्या लिखा है, दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नया नहीं है, नया नहीं है, बस अंदाजे बयां का अंतर है, डिफरेंट वे से कहा जा रहा है. यहीं पर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0. इसका मीनिंग लिखा हुआ है v1 वेक्टर पैरेलल टू v2 वेक्टर, और ये पता है क्या लिखा हुआ है, v1 डॉट v2 0. मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन ऐसा है नहीं. मतलब कहने का मतलब लिखेंगे 3D, सोचेंगे बेटर. क्या समझ में आया? अच्छा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट पता लग जाए, x1 y1 z1, और इसी लाइन पर दूसरा पॉइंट आ गया x2 y2 z2, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 इज 2, y2 माइनस y1 इज 2, z2 माइनस z1. क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? अरे आया कि नहीं आया? कोई ऐसी बात जो दोबारा बोलनी हो छाप लीजिए. थर्ड पॉइंट इस, आओ 3D हल्का हल्का पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, अपन 3D पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे. सब बच्चे मेरी मदद करेंगे, आपकी मदद के बिना क्वेश्चन होना संभव नहीं है. सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन बड़ा लल्लू सा है, फाइंड द रेशियो, बोर्ड पर देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग 3, 5, -7 एंड -2, -1, -8. सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी वेक्टर में हम लोग रिविजिट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए मैं यहां लिख दूंगा. फोर्थ पॉइंट बोर्ड पर देखें, सेक्शन फॉर्मूला, या पहले चलो डिस्टेंस फॉर्मूला. सब बच्चे बोर्ड पर देखें डिस्टेंस फॉर्मूला. कोई विशेष बात नहीं है, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, याद है अपन ने इसको ऑलरेडी वेक्टर में किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लें डिस्टेंस फॉर्मूला. और यहां पर आ गया x2 y2 z2, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बेटा दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? कोई दिक्कत? और यहीं पर हमारे पास दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला. क्लियर सब बच्चों को? सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं, अगर एक पॉइंट आपके पास x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट आपके पास x2 y2 z2 है, तो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करने वाला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. बोलो हां, ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n my2 प्लस ny1 अपॉन m+n mz2 प्लस nz1 अपॉन m+. ये कौन से डिवीजन का फॉर्मूला है? इंटरनल डिवीजन. और अगर डिवीजन एक्सटर्नल होगा तो क्या होगा? माइनस 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 माइनस. क्या बात समझ आई? ये दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी वेक्टर में देखे हैं, पर फिर मैं ब्रीफ कर, इस क्वेश्चन पर आ जाओ. फाइंड द रेशियो इन वाई जेड प्लेन. अच्छा अच्छा अच्छा, एक पॉइंट दे रखा है 3, 5, -7.
और दूसरा पॉइंट दे रखा है 2.1.8. हमको पता लगाना है कि YZ प्लेन अगर है तो इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है. अगर सही में YZ प्लेन है बचुआ, तो YZ प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका X कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, बाकी कोऑर्डिनेट मुझे अभी नहीं पता है. अगर मैं मैज्यूम कर लूं कि लैम्डा इज टू वन का रेशियो है, जब भी रेशियो निकालना होता है हम रेशियो का एज्यूम करते हैं लैम्डा इज टू वन, तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट, वैसे ही जेड कोऑर्डिनेट आएगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू थ्री अपॉन लैम्डा प्लस वन. बोलो हाँ गुरु जी, बोल नहीं रहे हैं आज. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू 3/2. तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3/2:1 यानी 3:2. अब चाहो, वैसे तो मुझे पता है ऐसी चीज आप चाहते हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. देखो सेक्शन फॉर्मूले की खास बात क्या है कि अगर एक्स वाई जेड में से एक भी पता हो तो आपको एम बाई एन का रेशियो पता, क्योंकि जो फॉर्मूला एक्स पर लगता है वही सेम रेशियो का फॉर्मूला वाई पर लगता है, वही सेम रेशियो का फॉर्मूला जेड पर लगता है. कॉपी करें तो आगे बढ़ो.